इबादत होता है वहाँ वोट मांगने मत जाइए, क्या जरूरत है वहाँ वोट मांगने का। तो शेर की पूजा किसके लिए होती है, कौन करती है? आराधना भगवती के रूप में होता है। भगवती का स्वरूप क्या है? माँ सरस्वती है। अगर आप धर्म पर कोई टिप्पणी करते हैं तो ऐसा नहीं कि घर के अंदर में राम राम और बाहर में जा कर के कहें हम राम के खिलाफ जा रहे हैं। हमारी पार्टी की साफ समझ है कि सबका सम्मान करिए, कोई व्यक्तिगत भावना है, कोई पार्टी की भावना तो आरजेडी का है नहीं। भाजपा एक तरफ राम मंदिर के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है तो दूसरी तरफ आरजेडी विधायक और बिहार सरकार में आरजेडी कोटे से आने वाले मंत्री, शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हिंदू धर्म के ऊपर बयान देकर, पोस्टर लगाकर एक अलग ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ अभी बिहार सरकार में सत्तारूढ़ दल जदयू के MLC सह प्रवक्ता नीरज कुमार। नीरज जी, किस रूप में देखते हैं, आपके सहयोगी दल लगातार हिंदू धर्म के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, अब पोस्टर भी लगाया जा रहा है। देखिए, धर्म आस्था का विषय है और धर्म आचरण का विषय है, धर्म राजनीति का विषय नहीं है। देवी देवता का सम्मान करना ये व्यक्तिगत निष्ठा का सवाल है, लेकिन धर्म पर सवाल भी लोग जो उठाते हैं तो हमारा सवाल उनसे भी है कि भाई जिसके घर में धर्म की पूजा होती है, इबादत होता है, वहाँ वोट मांगने मत जाइए, क्या जरूरत है वहाँ वोट मांगने का। जिसके घर में भगवान की पूजा हो रही हो उस घर में नहीं जाएंगे हम, अगर धर्म के खिलाफ हम बोलेंगे तो। ये दोनों काम नहीं हो सकता एक साथ। और देश का संविधान है धर्म, देश का संविधान नहीं है कोई इस्लाम धर्म का धार्मिक ग्रंथ हो, चाहे कुरान शरीफ हो, चाहे हिंदू धर्म का रामायण हो, ऐसा तो नहीं है। तो आप मान रहे हैं कि आरजेडी विधायक या मंत्री जो आरजेडी कोटे से ही आते हैं, उन्होंने जिस तरह से पोस्टर लगाया है यह गलत है? नहीं देखिए, अब पोस्टर किसने क्या लगाया इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, उस पोस्टर में लिखा गया है सावित्री बाई फुले जो भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, उनके जयंती के अवसर पर पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में लिखा गया है कि मंदिर में जाने वाले पाखंड है, अंधविश्वासी हैं, अज्ञानी हैं, मूर्खता हैं, जबकि स्कूल में जाने वाले लोग ज्ञानी होते हैं। देखिए, सावित्री बाई फुले ने यह कहा और देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा शिक्षा शेरनी का दूध है। तो शेर की पूजा किसके लिए होती है, कौन करती है? आराधना भगवती के रूप में होता है। भगवती का स्वरूप क्या है? माँ सरस्वती है। तो हम तो वैसे लोगों को एक ही सलाह देंगे कि अगर आप धर्म पर कोई टिप्पणी करते हैं तो ऐसा नहीं कि घर के अंदर में राम राम और बाहर में जा कर के कहें हम राम के खिलाफ। अगर यह करते हैं तो जो धार्मिक व्यक्ति है उसके घर वोट मांगने मत जाइए। आपने कहा धार्मिक व्यक्ति के घर वोट मांगने नहीं जाइए, इसका असर चुनाव पर भी दिखेगा क्योंकि भाजपा राम मंदिर के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है। देश की जनता में उत्साह है क्योंकि जिस तरह से राम मंदिर का उद्घाटन जनवरी महीने में होने जा रहा है, और इस बीच अगर आरजेडी के विधायक या कोई मंत्री हिंदू धर्म के ऊपर सवाल उठाते हैं तो नुकसान तो होगा आप लोगों को? नहीं देखिए भाई, नुकसान धर्म, सभी धर्म को अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है। हमारी पार्टी की साफ समझ है कि सबका सम्मान करिए और साथ ही साथ सबके प्रति व्यवहारिक नज़रिया रखिए। अब कौन किस रूप में अपनी बात को व्यक्त करेंगे, कोई व्यक्तिगत भावना है, कोई पार्टी की भावना तो आरजेडी का है नहीं। तो कोई पार्टी व्यक्तिगत व्यक्ति पार्टी थोड़े ही होता है। अगर कोई MLA है, MLA ने बयान दे दिया तो MLA का बयान है वह। यानी आप साफ कहना चाह रहे हैं कि व्यक्तिगत बयान है लेकिन इस बयान पर, इस मुद्दे पर आप यानी जदयू, क्योंकि आप प्रवक्ता हैं, जदयू आरजेडी विधायक और मंत्री के साथ नहीं खड़े हैं? नहीं, हम बिल्कुल साफ साफ कहते हैं इस ऐसे सवाल पर कि अगर धर्म के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं जो धर्म मानने वाले लोग हैं उसके घर वोट मांगने मत जाइए, उसके घर वोट मांगना भी अधर्म होगा। आगे इस तरह के विवादित बयान पर जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उस पर कार्रवाई की मांग या इस तरह की बातें आप उठाएंगे? ये मेरा विषय नहीं है, ये मेरा विषय ही नहीं है कौन कार्रवाई। हम एक ही अनुरोध करेंगे कि धर्म के खिलाफ जो बोलिए वो जनता के यहाँ वोट मांगने के लिए मत जाइए कि इसके घर में पूजा होता है, इबादत होता है, चर्च जाता है, मंदिर जाता है, इसके घर जाइए ही नहीं, तब एक उदाहरण आप पेश कर पाइएगा। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से देखा जा रहा है कि भाजपा राम मंदिर के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है तो दूसरी तरफ आरजेडी विधायक फतेह बहादुर और बिहार सरकार में आरजेडी कोटे से आने वाले शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा एक पोस्टर लगाया गया है राजधानी पटना में
राबड़ी आवास के बाहर और उस पोस्टर में लिखा गया है कि मंदिर जाने वाले पाखंड और अंधविश्वासी हैं, अज्ञानी हैं, स्कूल जाइएगा तो ज्ञान मिलेगा। अब देखना दिलचस्प रहता है कि जिस तरह से जदयू का बयान सामने आया है, जदयू ने कहा है कि हम इस तरह के बयान का समर्थन नहीं करते हैं, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह का पोस्टर लगाते हैं, वो लोग उस घर में भी ना जाएं जिस घर में धर्म को माना जाता है, जिस घर में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती है, उस घर में फतेह बहादुर ना जाएं, उस घर में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ना जाएं। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।